राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह 31 दिसंबर को अयोध्या दौरे को लेकर सभी को जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए भाजपा सांसद लल्लू सिंह के पुत्र व कबड्डी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह के नेतृत्व में सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क से जन जागरूकता बाइक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों भाजपा के कार्यकर्ता व पार्षद रहे मौजूद। कबड्डी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह ने बाइक रैली को भाजपा का झंडा दिखाकर रवाना किया। वहीं कबड्डी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह ने बताया कि देश के गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री के प्रथम आगमन पर हम भाजपाई कार्यकर्ता बाइक रैली निकाल रहे हैं, जिसका उद्देश्य जन जागरूकता रैली है। हम लोग पूरे नगर में ये बाइक रैली के माध्यम से आम जनता को जागरूक करेंगे। ये रैली पूरे अयोध्या शहर में भ्रमण करेगी और नाका गांधी आश्रम पर इसका समापन होगा। वहीं अमित शाह की जनसभा को लेकर बताया कि GIC मैदान में लाखों की भीड़ एकत्रित करने का लक्ष्य हैं, जिसके लिए सभी भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी लोगों से जनसंपर्क कर भीड़ जुटाने में लगे हैं। कबड्डी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि अमित शाह के आगमन को लेकर जहां एक प्रोटोकॉल की जानकारी हम लोगों को पार्टी के पदाधिकारियों से मिली है कि 31 तारीख को सुबह राम कथा पार्क में देश के गृह मंत्री हेलीकॉप्टर आएगा और सबसे पहले अमित शाह रामलला व हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे और राम मंदिर निर्माण कार्य को देखेंगे। उसके बाद वह अयोध्या से GIC मैदान में आएंगे और वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं विकास सिंह ने विधानसभा चुनाव को लेकर के कहा कि अब की 300 के पार सीटें हम भाजपाई कार्यकर्ता लाने का प्रयास कर रहे हैं और जीत भाजपा की ही होगी। रैली का उद्देश्य ये है कि हमारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का कल अयोध्या में आगमन हो रहा है और GIC ग्राउंड जो है वहाँ पर उनकी एक विशाल जनसभा का आयोजन हो रहा है, तो उसी की जन जागरूकता के लिए हम सभी युवाओं ने इस रैली का आयोजन किया है और नगर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए गांधी पार्क से शुरू करके गांधी आश्रम से होते हुए चौक, रिकाबगंज, फतेहगंज सब तरफ से होते हुए यहाँ गांधी पार्क में इसका समापन किया है। जी मैसेज यही है कि हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, वो जब अयोध्या में आए, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आए, तो उनका स्वागत विशाल जनसमूह के माध्यम से हो, यही हम सभी युवाओं ने इस अपने रैली के माध्यम से संदेश दिया। मेरा नाम विकास सिंह है, मैं प्रदेश अध्यक्ष कबड्डी संघ। एक संदेश अयोध्या से ये जाना चाहिए, अमित शाह जी के माध्यम से पूरे प्रदेश में जाना चाहिए और समाजवादी बसपा सरकार, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन सभी को ये संदेश अयोध्या के माध्यम से जाना चाहिए कि हमारे अयोध्या के युवा कमजोर नहीं है, हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ है वो कमजोर नहीं है और अभी तक जितनी भी सभाएं उत्तर प्रदेश में बाकी जितने भी राष्ट्रीय नेताओं की हुई है, प्रदेश के नेताओं की हुई है, उन सभी से हम 19 ना हो, उन सभी से हम 20 साबित हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगली खबर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए PRST न्यूज। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.prstnews.in।